सभी बागवानों भाइयों और बहनों को ऑर्चर्डिस्ट वीरेंद्र कुमार की ओर से नमस्कार, राम राम। सभी अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा चिलिंग ऑवर्स के बारे में। ये चिलिंग ऑवर्स क्या है, सेब के लिए क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी है कि नहीं है, अगर है तो सेब के प्लांट के लिए कितने चिलिंग ऑवर्स की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। अगर चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि तभी हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, जिससे आपको नई वीडियो अपलोड होते ही देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है, सेब को ठंड की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, फल देने वाले पेड़ों को जैसे कि सेब, नाशपाती इत्यादि निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार हार्मोन को तोड़ने के लिए एक निश्चित समय तक ठंडा रहने की आवश्यकता होती है। जब ये हार्मोन टूटेंगे तभी पेड़ खिलेगा दोस्तों, और फल पैदा करने के लिए पेड़ को खिलना ही होगा। अर्थात दोस्तों, हार्मोन्स जो इंसेक्ट्स यानी कि जो इंसेक्ट्स प्लांट की प्रोडक्शन, गुड ग्रोथ, एप्पल फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट क्वांटिटी यानी पौधों का जो भी कार्य है उसमें बाधा पहुंचाता है, नुकसान करता है, जब ऐसे हार्मोन दवाइयों के छिड़काव करने से भी नहीं टूटते हैं दोस्तों, मरते हैं, वह चिलिंग ओवर से मर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे हमारा प्लांट नई ऊर्जा के साथ जब डोरमेंसी से बाहर निकलता है दोस्तों, जब रस लेना शुरू करता है और पर्याप्त मात्रा में अपने लिए भोजन और पानी टेक ऑफ करता है तो फ्लावर स्ट्रॉन्ग निकलता है और एक साथ प्लांट फ्लावरिंग करता है। इसके बारे में आगे विस्तार से और बात करेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आता है, चिलिंग ऑवर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, सेब, आड़ू, चेरी, नाशपाती, पलम ऐसे सभी पौधे होते हैं जिनमें फूलों के निकलने और फलों को विकसित करने के लिए सर्दियों में कुछ खास समय तक विशेष तापमान की ज़रूरत होती है। इसे ही चिलिंग ओवर्स कहते हैं दोस्तों। यह ठंड के वो घंटे हैं जो एक पौधे को 7 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर मिलते हैं। जैसे सेब को 7 डिग्री या इससे कम का तापमान लगातार 1200 घंटों तक मिलना ज़रूरी है दोस्तों, यही इसके लिए चिलिंग ऑवर्स है। अगर उस समय तक पौधे को ठंड नहीं मिलती तो फसल टूटने और क्वालिटी गिरने का खतरा बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपके ऑर्चर्ड में कोई ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो रही है तो अगर प्लांट के चिलिंग ऑवर्स पूरे होते हैं तो चाहे कोई भी और कैसी भी बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा सवाल आता है कि किन किन पौधों को कितनी कितनी ज़रूरत होती है चिलिंग ऑवर्स की? दोस्तों, पौधे की प्रजाति पर निर्भर करता है। फलों वाले ज़्यादातर पौधों को 1000 या इससे अधिक चिलिंग ऑवर्स की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें 300 घंटों की से लेकर 500 घंटों तक चिलिंग ऑवर्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेब की। दोस्तों, सेब को पूरी तरह तैयार होने के लिए, पूरे चिलिंग ऑवर्स होने के लिए 1100 से 1200 घंटों की ज़रूरत होती है। एशिया में पैदा होने वाली नाशपाती के लिए, प्लम के लिए 600 से 900 और चेरी के लिए 1000 चिलिंग ऑवर्स की ज़रूरत होती है। ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी के मामले में बहुत कम चिलिंग ऑवर्स की चाहिए होते हैं दोस्तों। जैसे ब्लैकबेरी के लिए 50 से 800 घंटे और ब्लूबेरी के लिए अलग अलग वैरायटी जो उसकी होती है 150 से लेकर 1000 चिलिंग ऑवर्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप इन चिलिंग ऑवर्स को
कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चिलिंग आवर्स यानी कि 1100 से 1200 घंटे आपके रॉयल प्लांट, अगर ये घंटे आपके पूरे होते हैं, अगर लगातार इसमें 7 डिग्री से नीचे सेल्सियस तापमान रहता है, तो जो बीमारी होती है दोस्तों, जब अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, जब स्नोफॉल टहनियों पर, ब्रांचेस पर टिकती है, पौधों पर, या शान जैसी जम जाती है, तो जो अंदर कीटाणु होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं दोस्तों, वो ठंड से और ऑक्सीजन के बगैर घुट जाते हैं। अब बर्फ़ तो नहीं हो रही है उतने लायक, बारिश भी कम हो रही है, तो आप क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास पानी अवेलेबल है, तो आप धूप छिपने के बाद अपने ऑर्चर्ड में फुहारे लगाइए, पौधे को भिगाइए, ताकि सुबह के लिए उसमें शान यानी कि आइस बन जाए वो पानी, और प्लांट जो है अपने जो चिलिंग आवर्स है उसको पूरा करने में आप उसकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये काम आपको ज़रूरी करना है। तो चिलिंग आवर्स से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती है, जैसा कि आपको पता है, और चिलिंग आवर्स आपके प्लांट को ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होंगे तो आपके फ्लोरिंग भी आगे पीछे होगी। अगर पूरे होंगे चिलिंग आवर्स, तो एक साथ प्लांट फ्लावरिंग करेगा और इतना स्ट्रॉन्ग फ्लावर निकलेगा कि, क्योंकि बीमारियां तो सारी ख़त्म हो चुकी होगी, तो एक स्वस्थ फ्लावर निकलेगा दोस्तों। जब स्वस्थ फ्लावर निकलता है, तब बोलते हैं कि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, फिर आपके 100% क्रॉप लगने के चांसेस होते हैं, बशर्त आपके न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में प्लांट के पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी जो मैंने आपको बातें बताई है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।